हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बॉलीवुड में इस साल बड़ी बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर दिवाला निकला है। फिर चाहे वो सलमान की रेस 3 हो या फिर आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, इन दोनों ही फिल्मों से फैंस के साथ साथ ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी काफी उम्मीदें थी कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। वहीं इन दो बड़ी फिल्मों के फेलियर के बाद सबको लग रहा था कि रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल होगा, लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म इतनी आसानी से बॉक्स ऑफिस पर नहीं थमने वाली है। बता दें कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसकी जानकारी खुद करण जौहर ने दी है। बता दें कि फिल्म 2.0 के हिंदी वर्जन से करण जौहर जुड़े हुए हैं और फिल्म को मिल रहे इस धमाकेदार रिस्पॉन्स को देखते हुए उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है और लिखा कि 2.0 की बम्पर कमाई अभी भी जारी है और लगातार इतिहास लिखा जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं 2.0 के हिंदी वर्जन से जुड़ सका। बता दें कि फिल्म ने 7 दिनों में ही 500 करोड़ की कमाई कर डाली है। कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म दिन पर दिन इतिहास सृष्टि जा रही है। बात करें फिल्म की बजट की तो फिल्म का बजट 530 करोड़ रुपए है। टंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। वैसे जिस तरीके से इस फिल्म ने इतनी जल्दी 500 करोड़ की कमाई की है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म जल्द ही अपना बजट भी निकाल लेगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।